हाँ तो आज हम पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी जनरेटर, उसमें हमने लिया था इज इक्वल टू एन पी फाइव जेड बाय 60 ए। ठीक है, यहां पे एन था स्पीड, स्पीड किसमें आरपीएम में, और P था नंबर ऑफ पोल्स, फाइ था फ्लक्स पर पोल, और Z था नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और यहां पे A था नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन और जनरेटर। तो इसमें हम लेंगे अकॉर्डिंग टू दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल ऑफ फैराडे, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या था कि व्हेनेवर द फ्लक्स इज चेंज एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, सो एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या मैग्नेटिक ऑफ induced EMF is equal to d phi by dt means rate of change of flux। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं d phi by dt, तो ये तो एक पोल के लिए है, one pole, ठीक है, for p number of poles कितने हो जाएंगे फ्लक्स p into phi, और रेवोल्यूशन एक सेकंड में n रेवोल्यूशंस हैं। ठीक है, तो एक रेवोल्यूशन कितने में होगा, 1/10 seconds। ठीक है, ये सेकंड्स में होगा। अब जो ये स्मॉल है ना, इसमें है पर सेकंड में है ये, ठीक है, आरपीएस में है, ये इसकी वैल्यू रेवोल्यूशन पर सेकंड। तो ये हो गया, तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं, डी फाइव बाई डीटी पी फाइव बाई वन बाई एन, इसको क्या ले सकते हैं, ठीक है, ये कितनों के लिए है, ये इतनी हमें कितने कंडक्टर्स के लिए बनेगी, एक कंडक्टर के लिए। ठीक है, हमारे पास सपोज करो जेड नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, ठीक है, तो ये कितने हो जाएगा, फोर जेड नंबर, ठीक है, और तो हम इसको क्या लिखते हैं,
F upon P. तो ये हो जाएगा E is equal to N कितने हमने क्या लिख दिया 2F by P into P by Z. ठीक है, पीछे P कैंसिल, ये हो जाएगा 2F by Z. और अब देखो एक कंडक्टर है इसे इस तरह से कंडक्टर अरेंज किया हमने, ठीक है, तो एक कंडक्टर में कितने टर्न हो गए, एक दो टूटी, ठीक है, वन दैट इज टूटी कर दिया, इसमें इनपुट कर लेते हैं हम, ये हो गया इक्वल टू टू एफ आई टू पी, ठीक है, टोटल कितना हो गया आपके आपको डाउट